डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट। अभी तक हम आप देख ही रहे हैं, जैसे कि हम नाइट्रीन इंटरमीडिएट के बारे में पहले भी दो रीअरेंजमेंट पढ़ चुके हैं, अब थर्ड है इसमें कर्टियस रीअरेंजमेंट। अब इसकी सबसे पहले तो आती है, इसका क्या स्टेटमेंट है कि कर्टियस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एन एसाइल एजाइड टू एन आइसोसाइनेट विद द लॉस ऑफ नाइट्रोजन गैस इफ द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। तो अगर एक रिएक्शन जो कि इनर्ट सॉल्वेंट में कराई जा रही है, और क्या रिएक्शन है वो, कि एसाइल एजाइड को थर्मली डिकम्पोज किया जा रहा है। ये हमारा है एसाइल एजाइड, इसको हम थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं, लेकिन किस में, इनर्ट सॉल्वेंट में। इनर्ट सॉल्वेंट से मतलब जैसे कि जैसे बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, इस तरह का कोई हमने जो है सॉल्वेंट लिया हुआ है। तो क्या होता है, उसमें एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो ये तो हम अभी पिछले रीअरेंजमेंट में देखते ही चले आ रहे हैं कि एसाइल एजाइड कैसे जो है एल्काइल आइसोसाइनेट में चेंज होता है। अच्छा, अब इसमें क्या, अगर इनर्ट सॉल्वेंट में हो रही है तो एल्काइल आइसोसाइनेट पर ही रिएक्शन जो है रुक जाएगी, लेकिन अगर रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एल्कोहलिक और एक्वस मीडियम, अगर एल्कोहलिक या एक्वस मीडियम या एमीन के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो आइसोसाइनेट जो है फर्दर रिएक्ट्स टू फॉर्म यूरिथेन, एमीन और सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। तो अगर ये सब हम मीडियम ले रहे हैं, एल्कोहलिक ले रहे हैं, एक्वस ले रहे हैं या एमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म होते हैं। तो अगर एल्कोहल के साथ कराएंगे तो यूरिथेन्स बनते हैं, वाटर के साथ कराएंगे तो एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी यहाँ पर, और एमीन के साथ अगर हम कराएंगे तो यूरिया के डेरिवेटिव बनेंगे। यूरिया के डेरिवेटिव, जैसे यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड NH2, तो इधर एक एच को रिप्लेस करके आर आ गया, इधर भी एक एच रिप्लेस करके आर आ गया, तो ये हो गए यूरिया डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम ये कर्टियस रीअरेंजमेंट देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये एसाइल एजाइड हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ एसाइल एजाइड। तो एसाइल एजाइड की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले, जैसे हमने एसाइल क्लोराइड ले लिया, अगर एसिड दिया हुआ है तो आप एसिड से एसाइल क्लोराइड फॉर्म कर सकते हैं और फिर हम एसाइल एजाइड की प्रिपरेशन दिखा सकते हैं, या एसिड को एस्टर में चेंज कर सकते हैं और फिर हम एसाइल एजाइड की प्रिपरेशन को दिखा सकते हैं। तो आप किसी तरह से भी जब एग्जाम में अगर आए तो उसी हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हमने इसमें ले लिया एसाइल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन कराई हमने सोडियम एजाइड से, तो इसमें क्या है, ये जो NaCl आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये NaCl हम यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो आपस में जुड़ के आएगा। अब किस तरह से रिएक्शन होगी वो हम इसमें अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये N, यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कार्बन है, C पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी इस पर अटैक करेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो इस तरह से एक फॉर्म होके आ जाएगा बीच में, और अब क्या होगा, यहाँ पर फाइनली ये वाला बॉन्ड यहाँ वापस आएगा और ये सीएल, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये सीएल लीविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाएगा और जो एनए प्लस यहाँ पर लिया था और ये सीएल माइनस आपस में एनए सीएल बनाकर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये एसाइल एजाइड फॉर्म हो सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आता है आपके तो आप सिंपल डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं कि एसाइल एजाइड बना है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रिपरेशन दिखानी है, उसके मैकेनिज्म में नहीं जाना होता। तो एसाइल एजाइड की प्रिपरेशन आप सिंपल इन दोनों को दिखाइए, रिएक्टेंट को, और डायरेक्ट आप एसाइल एजाइड यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमने एस्टर के साथ लिया है, एस्टर की रिएक्शन करा दी हाइड्रोजीन से। अब यह एस्टर की रिएक्शन जब हाइड्रोजीन से होगी तो यहाँ पर ये जो इथाइल एल्कोहल है यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा, रिमूव होकर क्या होगा, ये एसाइल हाइड्रोजाइड बन जाता है यहाँ पर, और एसाइल हाइड्रोजाइड की रिएक्शन जब हम HNO2 के साथ कराते हैं तो एसाइल एजाइड फॉर्म होता है। तो हमें डायरेक्ट इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी मैकेनिज्म में जाना चाहें वो भी मैं आपको समझा दूंगी, पर मैकेनिज्म एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे ये बनता है। देखिए, जैसे ये वाली पहली वाला जब ETOH कैसे निकलेगा, यानी इथाइल अल्कोहल कैसे निकलता है इसमें, ये हमने लिया था हमारा एस्टर। अब इस पर हाइड्रोजन अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन कैसे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर, इस तरह से हम दिखा सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यानी ऑक्सीजन के पास जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस पर अटैक करेंगे, जैसे बिल्कुल ऊपर वाले केस में होता है, सेम वैसे ही रिएक्शन होती है। तो हम इसको दिखा सकते हैं इस तरह से, और यहाँ बन जाएगा ये एन पे आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, अब वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, एक एच इस तरह से, एक एच इस तरह, और ये NH2 तो था ही, फिर ये बस इसका H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। तो जब H प्लस निकलेगा ये बॉन्ड यहाँ वापस आएगा और ये OET माइनस निकलेगा, तो OET माइनस और ये H प्लस आपस में मिलकर जो है वो ETOH बना लेंगे।
तो इस तरह से ये एसाइल हाइड्रोजाइड यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। अब इस एसाइल हाइड्रोजाइड की रिएक्शन हम HNO2 से कैसे करा रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया ये NH, इस नाइट्रोजन पर भी दो इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन पर भी दो इलेक्ट्रॉन है। HNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए, जब HNO2 की को हम प्रोटोनेट करा दें तो उससे हमें मिल जाता है, एक तो वाटर मिल जाता है और दूसरा हमारा मिल जाता है नाइट्रोसोनियम आयन, जो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये तो आप लोगों ने कभी जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ा भी होगा। तो ये इस तरह से ये नाइट्रोसोनियम आयन बन जाता है। तो अब इस नाइट्रोसोनियम आयन पर इन नाइट्रोजन ये जो है इनमें से अटैक करेंगे। अब कौन सा नाइट्रोजन अटैक करेगा वो हमें देखना है। देखिए, इस नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो डीलोकलाइजेशन में यूज हो रहे हैं, तो खाली यही नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं जो फ्री बचते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है इस पर अटैक कर देता है। अब ये अटैक कैसे हम दिखा सकते हैं, ये देखिए, नाइट्रोसोनियम आयन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाइट्रोजन पर गए और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो हमारा कंपाउंड जो बन के आया वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, ये NH था, इस H यहाँ पर NH2 है क्योंकि, और अब नाइट्रोजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो उस पर आया पॉजिटिव चार्ज, फिर इससे ये नाइट्रोजन अटैच्ड है। अब नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड था तो, लेकिन ये बॉन्ड अब ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। तो ये हम डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। अब इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से एच प्लस निकलेगा, तो जब वो एच प्लस निकलेगा तो एच प्लस निकलेगा यहाँ से, और हम दिखा सकते हैं इसको इस तरह से। देखिए, R C डबल बॉन्ड O, ये NH, तो नाइट्रोजन का H प्लस तो निकल जाएगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी यहां से खत्म हो जाएगा, तो खाली एक H इसके पास बचेगा। और जो इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर थे, अब वो इस ऑक्सी जो H प्लस निकला वो H प्लस जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो जब इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो अब इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक NH ये है और एक NH यहाँ पर है और ये N डबल बॉन्ड OH। अब ये ऑक्सीजन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए अगर ये बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो फिर हमें इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि H प्लस को निकालना है हमें। अच्छा, अब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो हमारे पास क्या बन के आया, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ये एन एच और ये एन, एन और एन के बीच में डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड, और ये हम ओ एच निकाल सकते हैं और एच प्लस हमारा निकला हुआ है। यहाँ से एच प्लस जो है वो रिमूव हो रखा है। तो जब ये एच प्लस रिमूव हुआ है यहाँ से, तो अब हम क्या करेंगे, ये ओ एच को यहाँ से निकाल सकते हैं ताकि हमें वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर मिल जाए। तो जब ये OH निकलेगा, OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा तो इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये N, यहाँ से H मैंने ऐसे बना दिया, ये नाइट्रोजन और ये, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो अब इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए हम इसको बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आ जाएगा एन, ये डबल बॉन्ड एन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन, और ये हमारा एसाइल एजाइड जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो HNO2 का जो प्रोटोनेशन हुआ था H प्लस के साथ, वही H प्लस हमें यहाँ से फिर वापस भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये मैकेनिज्म में जाकर देख सकते हैं कि एसाइल एजाइड कैसे बना। हालांकि RCON3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको, तो ये इस तरह से, ये आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो हालांकि एग्जाम में जब कभी आएगा तो ये पूरी मैकेनिज्म आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, पर बस मैंने समझा दिया है कि ये सब किस तरह से फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम प्रिपरेशन ऑफ एसाइल एजाइड को दिखा सकते हैं। अब हम जाएंगे मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में हमें देखना होगा कि एसाइल एजाइड जो है एल्काइल आइसोसाइनेट में कैसे चेंज हो रहा है। देखिए, ये हमारा ये था एसाइल एजाइड था। अब अगर हम इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म दिखाएं, तो रेजोनेटिंग फॉर्म में हम किस तरह से दिखा सकते हैं कि अगर ये बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और ये बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ये इस तरह ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म में हम यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो आराम से क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस जो है रिलीज हो सकती है। तो जैसे ही नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, इस नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए अब ये R जो है वो माइग्रेट करेगा, और जैसे ही R माइग्रेट करेगा इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन
इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज तो है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा एल्काइल आइसोसाइनेट जो है फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो जब थर्मल कंडीशन होती है तो ये जो स्टेप है कि नाइट्रोजन गैस का निकलना और माइग्रेशन ऑफ आर, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। मतलब कि यहाँ पर दिखाया ये गया है कि जो जब भी कभी हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं एसाइल एजाइड का, तो यहाँ पर नाइट्रीन फॉर्म नहीं होती, जैसा कि हमने अभी देखा था पहले हॉफमैन और शिमिट रिएक्शन में कि वहाँ पर नाइट्रीन फॉर्म हो रही थी। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि थर्मल कंडीशन में जब ये रिएक्शन करा जाती है, तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, यहाँ पर नाइट्रीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे ही नाइट्रोजन गैस निकलेगी तुरंत ये आर जो है वो माइग्रेट कर जाएगा और इस तरह से हमारे पास एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाते हैं। लेकिन जो रीसेंट रिसर्चेज हैं वो ये बताती हैं कि ये रिएक्शन जो है फोटोकेमिकल कंडीशन में भी कराई जा सकती है, और फोटोकेमिकल कंडीशन में नाइट्रीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर ये कंसर्टेड मैकेनिज्म नहीं होती है। यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकली, नाइट्रोजन गैस निकलने के बाद नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रीन फॉर्म होती है। और जब नाइट्रीन फॉर्म होगी तो उसमें हम यहाँ माइग्रेशन दिखा देंगे कि ये आर इस तरह से मूव कर रहा है, और ये हम इस तरह यहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी आप इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होता हुआ दिखा दीजिए, तो यहाँ पर ये नाइट्रीन फॉर्म हो जाएगी। तो अब ये आर जो है पूरा का पूरा माइग्रेट करेगा, नाइट्रोजन से अटैच होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और सी डबल बॉन्ड तो ओ है ही ऑलरेडी। तो इसमें सिर्फ यही हमें शो करना है कि थर्मल कंडीशन में नाइट्रीन का फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन रिसेंट रिसर्चेज ये कहती हैं कि रिएक्शन जो है फोटोकेमिकल कंडीशन में भी हो रही है, और फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ पर नाइट्रीन जो है वो फॉर्म होती है। तो इस तरह से हम इसकी मैकेनिज्म में दिखा सकते हैं। अब ये जो एल्काइल आइसोसाइनेट है वो तो बना इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, लेकिन रिएक्शन अगर एल्कोहलिक मीडियम या एक्वस मीडियम में हो रही है तब हमारे प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं। तो एल्काइल आइसोसाइनेट जो बना था, अगर हम उसकी किसी एल्कोहल से रिएक्शन या एल्कोहलिक मीडियम ले लें या एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें, तब रिएक्शन कैसे होगी? यहाँ पर क्या, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है एक्चुअली इस सॉल्वेंट ने, जो भी हमने यहाँ पर मीडियम लिया हुआ है। तो ये बॉन्ड तो हम यहाँ शिफ्ट करा देंगे तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये एच प्लस जो है वो निकल जाएगा। तो जब H प्लस की फॉर्म में निकलेगा तो ऑक्सीजन का चार्ज, मतलब एक्चुअल में मैंने ये सिर्फ H प्लस निकलता हुआ दिखाया, ये ऐसे दिखा दीजिएगा इसको, खाली H निकले, बॉन्ड तो यहीं पर रहेगा, क्योंकि एच प्लस निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे के जाएगा, तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और जो H प्लस निकला है क्योंकि अब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये H प्लस जो है इस नाइट्रोजन से जाकर जुड़ जाएगा। जैसा कि इससे पहले भी जो हमने हॉफमैन रीअरेंजमेंट और शिमिट रीअरेंजमेंट देखा था, शिमिट रिएक्शन देखी थी, वहां पर हो रहा था बिल्कुल सेम वही स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होने। ये सारी रिएक्शन लगभग लगभग एक जैसी है, तो बहुत ईजी है इन्हें याद करना क्योंकि सबकी मैकेनिज्म लगभग लगभग एक जैसी है। तो इसमें यहाँ पर ये यूरिथेन फॉर्म हो सकते हैं। तो क्या बना हमारा आर, इसके साथ एनएच हो गया, NH के साथ सिंगल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड O है, और उसके साथ OR जुड़ा हुआ है, तो वही हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अगर रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ तो वाटर में भी सेम हमें यही मैकेनिज्म दिखानी है, ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, H प्लस निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ, अब की बार ये H प्लस फिर से इस N से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि एसिड बन रहा है तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, और डीकार्बोक्सिलेशन किस तरह से होगा ये हम यहाँ दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ से ये बॉन्ड जब शिफ्ट करेगा तो कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को यहाँ इस बॉन्ड ने दूर कर दिया तो ये पूरी CO2 जो है यहाँ से निकल जाएगी, और यहाँ से जो H प्लस निकला है वो इस नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज आया उसके साथ जुड़ जाएगा, तो एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल जाते हैं, और एमीन हमारा तो फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है। तो वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो एमीन बन जाती है, और अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं एमीन के साथ किसी, तो एमीन के साथ भी स्टेप्स आपको वही फॉलो करने हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, और अब नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर से हम ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा देंगे और ये बॉन्ड यहाँ, और एक एच जो है वो निकल जाएगा, तो जो एच निकला है वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से यहाँ पर यूरिया डेरिवेटिव्स फॉर्म हो जाएंगे। तो ये पूरा कर्टियस रीअरेंजमेंट था, बहुत छोटा सा रीअरेंजमेंट था,
तो ये हॉफमैन, शिमिड और कर्टियस तीनों में हमने देखा कि नाइट्रीन जो है वो एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, और तीनों में ही एल्काइल आइसोसाइनेट बन रहा है, और इस तरह से यहाँ पर माइग्रेशन हम दिखा रहे हैं। तो तीनों की मैकेनिज्म लगभग लगभग सेम सी है, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, और तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट भी हैं। इसके अलावा एक लूजन रीअरेंजमेंट और होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।